हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय चंदन श्रीवास्तव। आज है 4 मार्च और 4 मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। इसका विषय क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। क्या है विषय? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। अब मार्च महीने के अन्य इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, कौन कौन से। 1 मार्च को क्या मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और एक मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। अब वन्य जीव कोष से जो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं कार्टर रॉबर्ट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना इसका विषय है। WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया था। इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। विश्व श्रवण दिवस को पहले इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधनोम। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और NGO को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 1 अरब डॉलर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? Washington DC में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड माल पास। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और वहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? कितने करोड़ रुपए का? 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन जो कि 52 किलोग्राम वर्ग में थे, और नीतू और जो कि 48 किलोग्राम वर्ग में थी, उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? बुल्गारिया में किया गया था। कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन? बुल्गारिया के सोफिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया, तो नासा के बारे में हम लोग जान लेंगे। पहले उस उपग्रह के बारे में जानेंगे। एक बार उपग्रह अपनी भूस्थिर कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो इसका नाम बदल कर GOES-T से GOES-18 कर दिया जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरण परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा GOES-T का उपयोग किया जाएगा। तो इसका परीक्षण कौन कर रहा है? नासा कर रहा है। तो हम लोग नासा के बारे में जानेंगे। नासा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हेड कौन है? बिल नेंशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? Washington DC USA में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। हम लोग जानेंगे NOAA के बारे में, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1970 को। इसके संस्थापक रिचर्ड निक्सन थे। इसका मुख्यालय Washington DC में है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा वायुशक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना द्वारा, तो हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस वायुसेना प्रमुख इस टाइम कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन क्या है? यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं? अक्षय बिधानी। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? अक्षय बिधानी बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत गूगल और MEITY कितने भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेंगे? कितने भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेंगे? इसका राष्ट्र अंतर है 100। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है इस टाइम? अश्विनी वैष्णव है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंट व्यू कैलिफोर्निया USA में है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या है? नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? इस सूची में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और चीन जो है दूसरे स्थान पर है। तो ये थे आज से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।